राजस्थान भाजपा मुख्यालय में आज अहम बैठक हो रही है। मिशन 2023 को लेकर भाजपा की तरफ से मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रभारी अरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा कि पार्टी के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और कोर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। वहीं अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की और शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भाजपा मुख्यालय से हमारे संवाददाता अनिल सेन। अनिल, आज राजस्थान भाजपा मुख्यालय में जो है मैराथन बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है भाजपा मुख्यालय से? प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी की बैठक हाल फिलहाल खत्म यहाँ पर होने वाली है। सुबह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बाद में विधायक दल की बैठक, काफी अहम बैठक इसको कहा जा सकता है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगी। कुछ विधायक भाजपा मुख्यालय पहुंच भी चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उसके बाद में कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर होने वाली है, जो की प्रदेश भाजपा की कोर क्रीम बैठक कही जा सकती है। प्रदेश की रणनीति इसमें बनाई जाएगी और उसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि मिशन 2023 को लेकर पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। 2024 मिशन भी उसमें कहीं ना कहीं जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दो नामों पर ऐलान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, उपनेता का पद, अगर राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो वहां उपनेता का खाली होगा, तो वो किस चेहरे को यहां पर किया जाएगा, दोनों नामों पर ये विधायक दल की बैठक में तय होना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय हुआ था, चर्चा वहां पर की गई थी। प्रदेश प्रभारी यहां से चर्चा करने के बाद, क्योंकि शुक्रवार को अहम बैठक हुई थी प्रदेश मुख्यालय में और खुद सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं उन नामों पर मोहर भी वहां पर लगेगी। और खासतौर से जिस तरह से संबोधन भी रहा सीपी जोशी का, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, कार्यकर्ताओं को कठोर परिश्रम करने की बात यहाँ पर कही गई और ये भी कहा गया कि कम समय है, क्योंकि दिसंबर महीने में राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस रणनीति को कम समय में पूरा करना होगा। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि क्या वो कठोर परिश्रम के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में सीपी जोशी के साथ खड़ा होने का आश्वासन भी यहाँ पर दिया। तो अभी तक प्रदेश पदाधिकारी की चल रही है बैठक, कुछ देर में कहा जा सकता है कि ये जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी की जो बैठक वो खत्म यहाँ पर होगी और उसके बाद में विधायक दल की बैठक यहाँ पर शुरू होगी। जी, कांग्रेस और बीजेपी सभी अपनी अपनी पार्टी को तैयार कर रही हैं, इसी को लेकर आज ये मैराथन बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। तो क्या लगता है कितनी तैयार है बीजेपी आने वाले चुनावों को लेकर, किस तरह की तैयारियां आज की बैठकों में देखी जा रही है? दोनों पार्टियों में चुनावी मिशन शुरू हो गया है। कांग्रेस में देखा जाए अपने स्तर पर तैयारी है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद सम्मेलन में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए, चुनावी मोड में पार्टी ने हमेशा विपक्ष में होने के नाते कई मुद्दे उठाए, कानून व्यवस्था को ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया गया और बीजेपी अब एक रणनीति के आधार पर यहाँ पर आगे बढ़ेगी। चेहरा बदला गया प्रदेश नेतृत्व का, नेता प्रतिपक्ष अब कौन होंगे, एक सोशल इंजीनियरिंग यहाँ से करने की कोशिश होगी और उसके बाद में पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी कि अब मिशन 2023 किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में, क्योंकि 200 विधानसभा की सीटें, बहुमत के लिए 101 सीट यहाँ पर चाहिए, तो उस मुहिम को प्राप्त करने के लिए, 101 से अधिक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यही कहीं ना कहीं मैराथन बैठकों का सार कहा जा सकता है। आज मैराथन बैठक का परिचय भी यहाँ पर किया गया, सीपी जोशी नए चेहरे थे, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए परिचय वहां पर से एक फॉर्मेलिटी वहां पर हुई कि आखिरकार कौन पदाधिकारी है, कहाँ से पदाधिकारी है, और उसके बाद में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि उनको कठोर परिश्रम करने की यहाँ पर जरूरत है और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी बताई। जी, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बनने के बाद उनका ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मिशन 2023 को लेकर सभी भाजपा नेताओं को तैयार कर रहे हैं। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो सभी सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं चुनावों को लेकर, तो क्या लगता है कि बीजेपी किस तरह की अब रणनीति तैयार कर सकती है, क्योंकि सीपी जोशी ने कहा कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमको कम समय में ही चुनाव के लिए तैयार होना है, तो क्या ऐसी अलग रणनीति है जो बीजेपी तैयार कर सकती है कांग्रेस को मात देने के लिए? The
देखिए, सत्ता पक्ष को मुद्दों के आधार पर घेरने की रणनीति है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का पहले से मुद्दा रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा हथियार और उसके साथ साथ महिला अपराध, इन तमाम इश्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष कांग्रेस की पार्टी को घेरा है। और अब एक हाल ही में जिस तरह से कोर्ट का डिसीजन जयपुर सीरियल ब्लास्ट में आया, उस पर भी कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में फिलहाल यहाँ पर है, एक उग्र रणनीति यहाँ पर देखी जाएगी विपक्ष में होने के नाते। और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम मंत्रियों के दौरे यहाँ पर होंगे, सांसदों को अलग से जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। और उससे पहले जो सतीश की जगह सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बने, उनकी टीम का भी ऐलान होगा। तो उनके नए चेहरे जो शामिल होंगे उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो एकजुटता का मैसेज कहना कि देगा, और मैसेज देने के साथ साथ इस जंग के अंदर सरकार को घेरने की रणनीति भी करेगा। जैसे कि आपने बताया कि एक बैठक अब खत्म होने वाली है और आगे अभी दो बैठकें और होने वाली है, आज पूरे दिन ये बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। तो आगे अब कौन कौन सी बैठक देखने को मिलेगी, और नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जब पद खाली चल रहे हैं, जिनके नामों की अब सब नाम जो है सामने आने वाले हैं, तो कितनी देर में ये सब पता लग सकता है? देखिए, विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि दिल्ली में जो अहम बैठक हुई थी दो दिन पहले, जब प्रदेश प्रभारी राजस्थान आकर गए थे, तो यहाँ पर चर्चा भी की थी कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जा सकता है। एक सोशल इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ वरिष्ठता का आधार कहीं ना कहीं पैमाना नेता प्रतिपक्ष के लिए होता है। राजेंद्र राठौड़ का नाम आगे चल रहा है और उस नाम पर मुहर क्या विधायक दल की बैठक में यहाँ पर होगा, क्योंकि विधायक का पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया और उसके बाद में बैठक यहाँ पर शुरू होगी, चर्चा रखी जाएगी और उसके बाद प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। तमाम विधायकों से राय ली जाएगी कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है, और उपनेता भी, दोनों जो पद हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आज ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। 3 बजे एक बैठक शुरू होगी माना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होनी है। तो लगभग 3:30 बजे के आसपास तक नेता प्रतिपक्ष और उपनेता का जो नाम का ऐलान है वो यहाँ पर संभव है।